और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर आ रही, उत्तराखंड के परिवहन मंत्री का निधन हो गया है। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का निधन हो गया है। लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे चंदन राम दास, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रही है। तो कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का निधन हो गया है। दूसरी बार सरकार का गठन हुआ था तब चंदन राम दास को परिवहन मंत्री बनाया गया था और लगातार वो अपने विभाग को लेकर काम भी कर रहे थे, लेकिन अचानक से अब उनके निधन की खबर आई है, जिसके बाद उनके जो समर्थक थे, उनके प्रशंसक थे, वो शोकाकुल। तो कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे, लंबे समय से इनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन आज इनके निधन की खबर आई है। बागेश्वर के जिला अस्पताल में भर्ती थे चंदन राम दास और उत्तराखंड के परिवहन मंत्री थे। दूसरी बार जब सरकार उत्तराखंड में बीजेपी की बनी थी तब परिवहन मंत्री बनाया गया था चंदन राम दास का, और जब से परिवहन मंत्री बनाए गए थे तब से लगातार परिवहन विभाग में सुधारों का दौर शुरू हो गया था। जो तमाम कमियां थी उन्हें दूर करने का काम कर रहे थे, लगातार बैठकें भी कर रहे थे, लेकिन आज वो अपनी बीमारी से हार गए। और उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध नियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबोध जी, बहुत बुरी खबर है चंदन राम दास जी का अचानक से जाना। ही जी, निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ज्यादा विश्वास इसे नहीं होता है। कल हम लोग अल्मोड़ा में चलिए हिंद रंजन बहुमा जी के जन्मदिवस समारोह के साथ साथ थे, और उन्होंने भी स्वयं कदों के माध्यम से बहुमा जी को एक जनसभा में अपनी श्रद्धांजलि भी दी। ऐसा नहीं लगता था कि ये व्यक्ति इतना जल्दी हमारे बीच से चला जाएगा, लेकिन उनकी जिद उन्हें ले थी, जिस तरह से डॉक्टर्स ने लगातार कंप्लीट रेस्ट की बात कर रहे थे और जन भावनाओं, जन सेवा की जो भावना उनके अंदर थी, जिस कारण उन्हें बार बार लोगों ने अपना विधायक चुनने का काम किया, काफी लोकप्रिय थे, वो लगातार भागते रहे। और ओवर एग्जिटल ललमुड़ा के बाद आज जिला योजना की बैठक में बागेश्वर पहुंचे थे, वही एक कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनके जीवन का दुर्घटना हुआ। सुबोध जी, बहुत बड़ी क्षति है उत्तराखंड के लिए भी, क्योंकि दूसरी बार जब उत्तराखंड में बीजेपी सरकार का गठन हुआ था बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी चंदन राम दास जी को परिवहन विभाग की, और लगातार वो काम भी कर रहे थे, अचानक से जाना बहुत बड़ी क्षति। देखिए, बहुत समय के बाद परिवहन विभाग फायदे में भी आया था और लगातार बेचारे बहुत मेहनत कर रहे थे परिवहन विभाग को ठीक करते हुए भी, और मैं समझता हूँ ज्यादा मेहनत करना यही उनको भारी पड़ा और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक अपूर्णीय क्षति होती है भारतीय जनता पार्टी और पूरे प्रदेश की। ठीक है सुबोध जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप बातचीत करने के लिए। और चलिए